नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल अंजू की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फिर से नवरात्र स्पेशल माता रानी का प्रसाद। तो आज मैं प्रसाद में बनाऊंगी साबुदाने की खीर। तो मैंने यहाँ एक कटोरी साबुदाना लिया है और साबुदाने को मैंने 2 घंटे पहले साफ पानी में भिगो के रखा हुआ था। 2 घंटे बाद मैंने उसे जालीदार बर्तन में छान लिया है। ये देखिए, इसका एक्स्ट्रा पानी निकल गया है और जो हमारा साबुदाना है वो भी अच्छे से खिला खिला फूल गया है। तो चलिए प्रसाद बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लगभग यहाँ 1.5 लीटर दूध का यूज किया है, जिसे मैंने खौला के अब 1 लीटर कर लिया है। अब मैं इसमें 1 कटोरी मखाना डालूंगी और मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। मैंने यहाँ किशमिश, बादाम, काजू, अखरोट और चिरौंजी, इन सबको यूज किया है। तो जो ये मार्केट का ड्राई फ्रूट रहता है वो थोड़ा सा गंदा होता है, तो अगर आप प्रसाद बनाए तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इसको अच्छे से वॉश कर ले। दूध काफी गाढ़ा हो गया है। अब जो मैंने ड्राई फ्रूट धोया था मैं उसे डाल दूंगी। अब हम इसमें डालेंगे साबुदाना। इन सबको हम मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से चलाएंगे। तो साबुदाने और दूध को हम 5 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। आज को हम मीडियम ही रखेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, साबुदाना और दूध काफी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे 1 कटोरी चीनी। चीनी आप प्रसाद की मिठास के हिसाब से डालें। आप देख सकते हैं दूध भी गाढ़ा होने लगा है और साबुदाना भी। साबुदाना की खीर बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और मेहनत बिल्कुल नहीं। तो हमारी चीनी भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और सब कुछ अच्छे से पक जाए, 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे और इसे और 5 मिनट पका लेंगे। तो हमारी साबुदाने की खीर लगभग तैयार है। आपको ये पतली लग रही होगी अभी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब दूध ठंडा हो जाता है तो साबुदाना काफी गाढ़ा हो जाता है। तो आप साबुदाने की क्वांटिटी बिल्कुल ना बढ़ाएं। अब मैं इसमें डालूंगी, मैंने यहाँ 5 छोटी इलायची को कूटा है खल में। खुशबू के लिए हम इसे डाल देंगे। मैंने यहाँ फूड कलर का यूज किया है, लगभग 1 चुटकी फूड कलर है ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो साबुदाने की खीर बन के तैयार है हमारी। तो चलिए इसे अब हम सर्व करेंगे। तो दोस्तों, बनके तैयार है हमारा साबुदाने का खीर। अगर आपको मेरा माता रानी का ये प्रसाद पसंद आया है तो प्लीज इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय माता दी।